हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा वर्मई किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फराह की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनने वाले फराह है ये, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा इनको। और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कटोरी आटा ले रही हूँ। आटा में आधा चम्मच मैं नमक डाल दूंगी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं पानी डाल के सख्त डो लगा लगा के तैयार कर लूँगी इसका। तो याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे सख्त डो ही लगाना है, क्योंकि जब गीला हो जाएगा तो फरा जो है अच्छे शेप में नहीं बन पाएंगे और वो चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे अच्छे से डो बना के तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डो लगा के तैयार कर लिया है। ना ही हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है, तो मतलब मीडियम लगाना है आपको। ज़्यादा हार्ड भी नहीं कि बन भी ना सके और गीला भी नहीं। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में 4 कटोरी मैंने पानी डाल दिया, वही कटोरी जिससे मैंने आटा का तो मेजरमेंट किया था, उसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। पानी के साथ साथ मैं आधा चम्मच नमक डाल दूंगी और 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल देंगे। तो घी डालने से तो फ्रेंड्स, हम जो पानी में फरा डालेंगे वो हमारे चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से पानी को थोड़ा सा चला देंगे ताकि घी और नमक एक साथ मिक्स हो जाए पानी के साथ। और पानी को जब तक पकाएंगे, जब तक बॉईल हो जाए, तो जब तक हमारा पानी में बॉईल आता है तब तक हम अपने फरा बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक प्लेट ले रही हूँ, उस पर मैंने घी लगा दिया और थोड़ा सा हाथों में भी घी लगा लिया है। और थोड़ा सा डो लेंगे, इसको पतला सा करेंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी सी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी लोइयां बना के तैयार कर ली हैं। ये देखिए, अब इनको एक एक करके इनका फरा बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा एक डो लेंगे और इसको राउंड शेप में करेंगे, फिर इसको लंबाई में करेंगे हाथों की सहायता से। तो साइड साइड में, दोनों साइड में ये प्रेस करेंगे और बीच में नहीं दबाना है। अब जाके बाद में जब हमारा तैयार हो जाएगा, ये देखिए, अब इसको बीच में दबा के बन गया हमारा फरा। तो इसी तरह इसको भी करेंगे, साइड साइड में प्रेस करेंगे और बीच में थोड़ा सा हल्का सा हाथ फेरेंगे, फिर उसमें उसको दबा के फिर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारा फरा बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत आसान रेसिपी है। ये लीजिए, मैंने इतने सारे बना के तैयार कर लिए हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स, कभी कई बार हमारा आटा चिपकने लगता ना, तो थोड़ा सा हाथ में घी लेंगे और यहाँ गद्दी में लगा लेंगे। गद्दी में लगाने से थोड़ा सा जब घी जाएगा आटे में तो चिपकेगा नहीं। इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही फेवरेट है ये फरा, मैं शादी के पहले से ही पसंद करती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, इस तरीके से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए, सारे बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए, हमने गैस पे जो पानी रखा था बॉईल होने को, इसमें बॉईल आ चुका है। तो इसमें
जो फरा बना के तैयार किए हैं वो डाल देंगे एक एक करके। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, इकट्ठे डाल दोगे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर पानी में इकट्ठे जाके तो एक एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही उठा के डाल दे रही हूँ, क्योंकि एक एक जब डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सारे इकट्ठे डाल दिए हैं, अभी ये थोड़ी देर पकेंगे तो हम इसको कलछुली की सहायता से इधर उधर पलट लेंगे और एक एक हो जाएंगे ये पानी में। ये देखें इस तरीके से ये एक एक हो चुके हैं पानी में, ये देखिए। बस इनको थोड़ा सा पकने देंगे, ये देखिए बॉयल आ चुका है हमारे फरा के। तो इनको हमने 20 मिनट तक पका लिया था फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे अब चेक कर लेती हूँ कि पके हैं कि नहीं। तो ये फॉक लेंगे, फॉक की सहायता से इसको दबा के देखेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली टूट के अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे पक के रेडी हो गया है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल में। मैंने एक छन्नी में छन्नी रखा है बाउल के ऊपर, और नीचे बाउल है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है उसमें वो एक्स्ट्रा पानी बाउल में चला जाए। और छन्नी में निकाल लेते हैं सारे फराह को। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी था इसमें वो बाउल में निकल के आ गया, तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो फेंक देंगे और इन फराह को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े बाउल में। और इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, ये देखिए घी ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इधर थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, अगर आपको थोड़ा नमक ज़्यादा चाहिए। वैसे तो ठीक आएगा, बिल्कुल परफेक्ट नमक आएगा जो मैंने डाला था। और इसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे इसको फ्रेंड्स बॉईल करके आप फ्राई भी कर सकते हो, जो पसंद है जिसको पसंद है। और मुझे ऐसे ही पसंद है, हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता नाश्ता लगता है मुझे। तो इसको उठा के और चीनी के साथ लगा के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा ये नाश्ता है। तो फ्रेंड्स मैं मुझे बहुत पसंद है ये, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ ये, तो आपको भी पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।